हेलो मांगशी लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस, हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं इतने दिनों से गायब हो गई और ना कोई रिप्लाई दे रही थी, ना कोई वीडियो अपलोड कर रही थी, ना मैं खुद ऑनलाइन थी। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल खुलते ही मेरे पेपर्स थे, तो मुझे उसके लिए तो पढ़ाई करनी थी। और दूसरा कारण, मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन रुक गया है। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं कर रहा है वो। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण है आप लोग। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको पता है मेरी सब्सक्राइबिंग रेट गिरती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं या मेरे कॉमेंट्स नहीं, वो सब एकदम अच्छे से है, पर सब्सक्राइबिंग रेट गिर रही है। आपको पता है कि कितना तो बुरा लगता है। एक तो पहले मेरा मोनेटाइजेशन बंद है, ऊपर से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपको पता है ये कितना ज़्यादा हर्टफुल होता है। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, आपके लिए अपलोड करती हूँ, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। और यूट्यूब ने भी मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं किया है अभी तक। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं खुद इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं बस सब कुछ मैस कर दूँगी। तो मैंने सोचा मैं थोड़े दिनों का ब्रेक ले लेती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़ वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए मैं कुछ दिन का ब्रेक लिया था। और इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिर से इतने दिनों का ब्रेक ना लूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे ढेर सारी मोटिवेशंस मिले कि मैं न्यू वीडियोस बनाती रहूँ। आपको मैंने रीज़न बता ही दिया है कि मोनेटाइजेशन बंद है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ताकि और हाँ, मुझे कमेंट करिए ताकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करूँ और आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाती रहूँ। और गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए थे, इतने प्यार भरे, इतने ढेर सारे हार्ट्स आपने मेरे लिए भेजे, इतना सारा मुझे प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। आप प्लीज़ ऐसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहिए। तो बहुत सारी बकवासें हो गई है ना, एक तो मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, ऊपर से इतनी सारी बातें बहुत सारी हो गई। तो चलिए आज का भी पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक देखा था कि हमारे जाने हमारे ईगो को फाइनली शुशे से बचा लिया है, और वो शुशे और मैंगिया को बहुत मारा है। और उसके बाद उसने गन निकाल ली और हमारे ईगो जल्दी से आया और उसके हाथों को पकड़ कर रोक रहा था कि वो शूट ना करे। जान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी। उसने ईगो की तरफ देखा और कहा, तो मुझे इन्हें कैसे रोक सकते हो, इन्हें कैसे बचा सकते हो, हटो ईगो, मुझे इन्हें मारने दो। तब ईगो ने जल्दी से जान को एकदम टाइटली हग कर लिया और कहा, रोने लगा और कहा, जान प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुम इन्हें मार डालोगे तो तुम अरेस्ट हो जाओगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जान प्लीज़ जान ऐसा मत करो, तो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। तब फाइनली जान शांत हुआ और उसने ईगो को भी पकड़ लिया, हग कर लिया। वो उसने आँखें बंद कर ली थी, वो ईगो को एकदम फील करना चाहता था कि वो ठीक है। और यह हमारा शुशे कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। उसने अपने पास से नाइफ निकाली और ईगो पर हमला करने ही वाला था। तब जान ने एकदम टर्न कर लिया और वो हमला जान ने खुद पर ले लिया। ईगो और लैंसी जान दोनों एकदम शॉक हो गए थे और ईगो ने तीर से चला। जान एकदम फ्लोर पर बैठ गया, उसके बहुत ज़्यादा खून बह रहा था उससे। ईगो तो एकदम रोने लगा, क्राई करने लगा। और तब तक सभी वहाँ आ चुके थे, सॉन्ग लैन, चौ शिन चैन, जियांग चैन सभी आ गए थे और उन्होंने अच्छे से मैंगयाओ के गैंगस्टर लड़कों को अच्छे से धुला था, बहुत मारा था उन्हें। वो रो रहा था ईगो और जान की इस हालत को देखकर, बाकी सब तो डर गए थे एकदम। चौ शिन चैन जल्दी से आया और उसने ईगो को एक शर्ट दिया और उसे कवर किया और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की। और यहाँ से शिन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ। सभी लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए थे और हमारा जान आईसीयू में था। ईगो की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, वो पहले से ही इतना ज़्यादा टेंशन में था
मेंटली वो अनस्टेबल हो गया था बहुत ज़्यादा। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, बहुत ज़्यादा उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो लैनी को पकड़ कर बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। सब उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ भी नहीं। अंकल चिड़ैन भी उसके बगल में बैठे हुए थे और उसे काम डाउन कर रहे थे। और तब जब डॉक्टर एक घंटे बाद जान का ट्रीटमेंट करके बाहर आए, तब वो जल्दी से दौड़ कर गया उनके पास और कहा, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। तब डॉक्टर ने कहा, नहीं वो ठीक है, उसे कुछ हुआ नहीं है, पर अभी भी उसे 4 घंटे का प्रॉपर रेस्ट चाहिए और मैं अभी तक किसी को भी अभी अलाउ नहीं कर सकता उसे मिलने के लिए, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं। तो फाइनली 4 घंटों तक तो डॉक्टर्स ने इबो को किसी से मींस जान को किसी से भी मिलने नहीं दिया था। हमारे इबो तो रो रो के अपना हाल एकदम बुरा कर दिया था, एकदम पूरा मेस हो गया था। वो तो शांत ही नहीं हो रहा था। और ऐसे देखते देखते 4.5 घंटे बीत गए। तब जब डॉक्टर ने जान को पूरा एग्जामिन कर लिया फिर से, तब उन्होंने अलाउ किया और इबो जल्दी से जान के पास गया। उसने जान को के हाथों को पकड़ा और कहा, जान उठो, क्या कर रहे हो जान, इबो बुला रहे तुम्हें उठना होगा। तुम्हें ऐसे सो नहीं सकते, तुम्हें अपने से फ्लर्ट नहीं करना, मुझे सताना नहीं है, मुझे डांटना नहीं है, उठो मुझे तुम्हारी डांट खानी है, जान प्लीज़ उठो। वो अभी भी रो रहा था और जान मानो वो सब कुछ सुन रहा था पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, जान प्लीज़ उठो, प्लीज़ उठो, प्लीज़ ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं तुमसे बैग करता हूँ जान, ऐसा मत करो, प्लीज़ उठो, वेकअप, प्लीज़ जान वेकअप उठो। बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था। और तब फाइनली अंकल चिड़ैन ने कहा, इबो जाओ और अपना ट्रीटमेंट कराओ, तुम 4.5 घंटे से रो रहे हो और ना अपना ट्रीटमेंट कराया है ना, तुम खुद को देख रहे हो क्या हालत कर लिया तुमने। तब इबो रोते हुए कहा, अंकल वो चौदन को देखिए ना, उसे इतनी ज़्यादा चोट आई है, वो उठ नहीं रहा है। तब उसने अंकल चिड़ैन ने चिल्लाते हुए कहा, इबो अभी क्या अभी जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इबो डर गया और वो और बुरी तरीके से रोने लगा। यानली और लैनी ने इबो चुप कराया, शांत कराया और कहा, इबो चलो, जान को अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें ऐसे देखकर, वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, अगर तुम्हें वो ऐसे हालत में देखेगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा। उन्होंने दोनों ही मदर्स ने इबो को वहाँ से लेके गए और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। और जैसे ही इबो ने जान का हाथ छोड़ा, मानो जान को एक अजीब तरीके से डर आने लगा, उसे डर लगने लगा कि इबो कहीं जा रहा है। इतनी देर से वो इबो का टच, उसकी वॉर्म्थ फील कर रहा था। हाँ, वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, फिर उसे टच, उसकी वॉर्म्थ, उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इबो के वहाँ से जाते जाने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, इबो। तब जिशवान जल्दी से अपने बेटे के पास आया और कहा, जान तुम ठीक तो हो ना। तो 5 मिनट के बाद हमारे जान ने अपनी आँखें खोली और कहा, इबो। उसका सबसे पहला शब्द था, इबो इबो कहाँ है। और तब लैन से जान उसके पास आए और कहा, तुम डरो नहीं, इबो ठीक है, वो अभी डॉक्टर के पास गया है। जान वरीडली पूछा, डॉक्टर के पास क्या है, क्या हुआ उसे, क्या हुआ उसे, फिर से चोट लग गई, हाँ क्या हुआ उसे। लैन से जान ने उसे शांत करते हुए कहा, जान खुद पे इतना स्ट्रेस मत लो। जान उठना चाहता था तो उन्होंने उसे बैठाया बेड पर ही और कहा, तुम्हें देखा था ना उसके लिप्स पर और उसके हाथों पर, बस उसे वो ट्रीट कराने गया है। जान ने पूछा, अभी तो शाम हो रही है, इतना देर से वो घर क्या रहा था, वो गया क्यों नहीं। तब जिशवान ने कहा, वो तुम्हारे लिए वरीड था, वो कब से रो रहा था। तब जान ने कहा, ये लड़का पागल है क्या, क्या करता है। जान भी उसके लिए वरीड हो गया था। तब फाइनली थोड़ी देर बाद हमारा इबो अपना ट्रीटमेंट करा कर आया और जैसे ही उसने देखा कि जान एकदम ठीक ठाक बेड पे बैठा है, वो जल्दी से गया और उसको एकदम टाइटली जान को पकड़ लिया और एकदम टाइटली से हक करके फिर से रोने लगा। जान ने स्लैप करते हुए उसके धीरे से उसके सर पे मारते हुए कहा, पागल लड़के क्या कर रहे हो तुम। जब इबो कह रहा है, तुम्हें हक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तब जान ने कहा, ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना कि तुमने अभी तक अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया था, पूरे 4.5 घंटे हो गए उसके बाद तुमने ट्रीटमेंट करा रहे हो। तब इबो ने रोते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम
तुम अभी तक उठे नहीं थे, तो मेरा कैसे मैं जाता वहाँ पे? मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो जाने का इबो, अगर मैं नहीं रहा तो क्या तुम कभी भी खुद का ट्रीटमेंट नहीं कराते? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? तब इबो ने एकदम उसके लिप्स पर अपने फिंगर्स रखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। तब जान ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा तुम रोकोगे? तब इबो ने कहा, हाँ मेरा लव रोक सकता है, मेरे लव के पास, मेरे प्यार के पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हें सेव कर सकती है। जान बेवकूफ, आई लव यू, आई रियली लव यू, सकेकर हमारे प्यारे से इबो ने उसके जान के लिप्स पर एक किस कर दिया सबके सामने, सब वहीं थे। पर इबो को किसी के कोई फिक्र नहीं थी, उसे समझ आ चुका था कि वो जान से एकदम पागलों की तरह प्यार करता है, एकदम क्रेजी होकर। और जान भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा था, और इससे पहले कि उनकी केम एकदम डीप हो जाती, हमारे बड़े थोड़े अनकंफर्टेबल फील करने लगे हमारे चारों एल्डर्स। तो लैंडी ने इबो का नाम लिया, कहा इबो। इबो ने तब जान को छोड़ा और कहा, जान तुम मेरे फेवरेट पर्सन हो, मम्मा ने कहा कि तुम्हें अचानक से फील हुआ, अचानक से पता चला, तो मैं ही कह रहा था। जान मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अब तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वहाँ भी तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ता, अगर तुम कहीं भी जाते ना मैं वैसे तुम्हारे पास आ जाता। तुम जान ने अपने प्यारे से क्यूटी से ओमेगा को चुप कराते हुए कहा, इबो मत रोना, देखो तुम्हारी कंडीशन कितनी मिस हो गई है। इससे पहले कि जान कुछ कहता, इबो उसी के चेस्ट पर पेंट हो गया। वो 4.5 घंटे से रो रहा था, और उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था वो अलग। जान और बाकी सब एकदम पैनिक हो गए कि आखिर क्या हो गया इबो को, अचानक से वो, उसे क्या हो गया। तब जल्दी से लैंड से जाने डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर ने जब चेक करके बताया तब उन्होंने कहा कि वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है, हमें लगता है कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है, उसे प्रॉपर 2 दिन की केयर की ज़रूरत है। तब लैंड से जाने कहा, ठीक है यहीं जान के बगल में एक बेड डाल दीजिए और इसको भी इसी पे लेटा दीजिए। और वो बहुत ज़्यादा सरकास्टिक टोन में कह रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इबो पर, क्योंकि इबो चाहता तो वो अपना केयर कर सकता था, 4.5 घंटे से रोने की बजाय उसे रेस्ट करना चाहिए था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज थे इबो पर। पर जब इबो को उस हालत में देखा ना तो उनका दिल तो वैसे ही टूट रहा था, और अब वो और भी ज़्यादा उन्हें हर्ट कर रहा था उनका दिल। उन्होंने इबो को एकदम प्यार से बेड पर लेटा दिया और उसके पास ही बैठ गए चेयर लेकर। लैंसीजन अपने छोटे से ब्रदर से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और जान भी ये सब देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा कि इबो के साथ इतनी अच्छे ब्रदर हैं। और तब उसने चियांगचेन और सॉन्ग लायन के पास गया और उसने उनसे पूछा, उन्हें बुलाया अपने पास और पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो ना, लड़ाई में तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तब उन्होंने जान को हग करते हुए कहा, नहीं बड़े भैया हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। तब चियांगचेन के सर पे हल्का सा हिट करते हुए कहा चौजान ने, अच्छा अच्छा बहुत अच्छे फाइटर हो, हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि कितने अच्छे फाइटर हो, अब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कंपनी का ध्यान रखना होगा, और सॉनलैन अब तुम ये माफिया वाली चीज़ें थोड़ा कम करो, वैसे तुमने कहा था कि वो माफिया है तो क्या हुआ उसका कुछ? तब सॉन्गलैन ने कहा, हाँ वो भी एक माफिया है, और अब उसका गैंग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और रही बात उसके उन गैंगस्टर लड़कों की, तो उन्हें मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप फिक्र ना कीजिए उसे हम हैंडल आउट कर लेंगे, आप भैया पहले रेस्ट कर लीजिए, आप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, आपको पता है कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था आपको वहाँ से यहाँ तक लाने में, कितना ज़्यादा आपका खून माप बह रहा था। तुम जानने का, तुम मुझे क्या समझो, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा हूँ। अच्छा तो सॉन्गलैन ने कहा, हाँ हाँ अल्फा जी हम अब जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पर रेस्ट कीजिए, आपके बगल में जो ओमेगा सो रहा है ना उसे ही आपकी केयर थी सबसे ज़्यादा। तब सॉन्ग सर तब जान ने पूछा, क्या इबो ठीक तो था ना? तब सॉर से जान ने कहा, हाँ इबो बिल्कुल ठीक है, उसे बस रेस्ट चाहिए और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, बल्कि उससे ज़्यादा तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम्हें 4 दिन तक ICU में एडमिट होना है समझे, और तुम प्रॉपर रेस्ट करो। तब जान ने पूछा,
एग्जैक्टली चोट लगी कहाँ है? तब लायन से चैन ने कहा, ठीक तुम्हारे दिल के पीछे, उससे पीछे वार किया था। अच्छा हुआ था कि उसका चाकू तुम्हारे दिल को टच नहीं किया, वरना तुम्हें पता है क्या हो सकता था? तब हमारे शौजान ने कहा, कुछ नहीं होता मुझे, ये वो साथ था मेरे। लायन से चैन ने कहा, मुझे नहीं पता तुम दोनों का क्या होगा, पर तुम्हारी वजह से ना हमारी यहाँ सांसें अटक जाती हैं। इस पर सब ने एक साथ ही सर हिलाया और जानी से मुस्कुराने लगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑलवेज लव वांगशिन एंड निशान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।